सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वी आर बैक टू अवर वीडियो। सो गाइस, थैंक यू सो मच साथ रहने के लिए एंड सपोर्ट करने के लिए गाइस। एंड गाइस, आज का जो वीडियो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गाइस मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कैसे आप लोग फ्री फायर में जो नया इवेंट आया ना रंगोली इवेंट, उसको आप एकदम इजिली कैसे कम्प्लीट कर सकते हो। एक न्यू ट्रिक लेके मैं आ चुका हूँ, किसी ने नहीं आप लोगों को दिखाया होगा शायद। गाइस आप पूरा वीडियो देखना, एकदम इजी ट्रिक है, इसको आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, पूरा वीडियो देखना। ओके गाइस, ये जो ट्रिक है ना बहुत ही यूनिक है। ठीक है, सब लोग आप लोगों को बताएंगे ऐसे ऐसे करना होगा, मैं करना कैसे है वो भी बताऊंगा, लेकिन एक इजी ट्रिक दूंगा जो आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर सकते हो इवेंट। ओके, तो इस इवेंट में पहले तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इसको मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को देखो गाइस, इस इवेंट में आप लोगों को कैसे, आप लोग ध्यान से समझो क्या करना है इसमें। इसमें आप लोगों को तीन ऑप्शन मिल रहा है, तीन पैराशूट से एक पैराशूट आप सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसे तीन गन से आप लोग एक गन सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इधर तीन वेपन रॉयल कार्ड है, डायमंड रॉयल कार्ड है और एक बेलनी है। ठीक है, जो बेलनी होता है ना, जो लोटी बेलते हैं उसको आप कलेक्ट कर सकते हो। तो इधर से आप लोगों को क्या करना है ध्यान से देखो, इधर जो तीन पैराशूट है ना, इसको आप लोगों को इस तीन में से एक को क्लिक करना है, जैसे कि मैंने पहले को क्लिक कर दिया। इसके बाद इस गन से आप लोगों को किसी भी एक गन को जो आपके पास नहीं है आपको चाहते हो वो क्लिक कर देना है। उसके बाद इधर जो बेलनी है और डायमंड रॉयल कार्ड है, उसमें से आप लोगों को कुछ एक को क्लिक करना है जो आपको पसंद है। डायमंड रॉयल, ओपन रॉयल तो आप लोगों को मिलता रहता है, बेलनी आँख बंद करके आप लोग कलेक्ट कर लेना। ओके, तो इस बार आप लोगों को ऐसे शो होगा आपके डिस्प्ले पर, तो आप एक एक दिन लॉगिन करने के बाद आप लोगों को ये रिवॉर्ड मिल जाएगा। आप लोगों को जैसे आप 7 दिन लॉगिन करोगे, ये बेलनी का स्किन परमानेंटली आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो ये था पहला ट्रिक। ठीक है, पहला मतलब इवेंट। उसके बाद जो सेकंड इवेंट है, जो हम लोगों को ये गैंगस्टर बंडल मिल रहा है ना, इसको कैसे कंप्लीट करना है, इधर आप लोगों को आ जाना है। आने के बाद एक रंगोली का जो थीम है ना, इसको आप लोग सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो इनमें से आप लोगों को क्या सिलेक्ट करना है ध्यान से देखो, आप लोगों को सिलेक्ट करना है ये जो दिया का है ना थीम, इसको आप लोगों को, इस पिक्चर को आप लोगों को सिलेक्ट करना है। क्यों सिलेक्ट करना है मैं बाद में आप लोगों को बोलता हूँ। ठीक है, तो इसमें सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को ये जो है ना, इसको रंग से भरना है। ठीक है, हर एक जगह पर जहाँ पर ब्रश दिखा रहा है उधर आप लोगों को रंग देना है। कैसे देना है, साइड में देखो, ये जो ब्रश है ना, इसमें आप लोगों को एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऐसे करके कन्फर्म आएगा, उसके आप लोग क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद गाइस, आप लोग इधर से देखो, एक था ना, इससे आप कलर चूज कर सकते हो। मैंने जो कलर चूज़ किया, आप लोगों को सेम कलर चूज़ नहीं करना है, आपकी मर्जी से कुछ भी कलर चूज़ करो, ऐसा नहीं है कि इसको यही चूज करना है, आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, तो इसमें मैंने येलो कलर का चूज़ किया, उसके बाद रेड किया, देखो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने इधर रेड किया। ओके, रेड करके नीचे देखो कन्फर्म आया, उसमें क्लिक कर दिया। ठीक है, तो आप लोगों को एक ब्रश फ्री में मिल जाएगा, लेकिन गाइस बाकी का जो ब्रश है ना, इसके लिए आप लोगों को गेम खेलना होगा। आई मीन टू से 5 किल करने के बाद कोई भी मोड खेलो, आप ट्रेनिंग और कस्टम छोड़ के कोई भी मोड खेलो, आप लोगों को 5 किल करने से एक ब्रश आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, बहुत लोग बोलेंगे कि एक गेम में 5 किल कैसे करें। ठीक है, इसलिए आप लोगों को मैं ट्रिक लाया हूँ, जो नया ट्रिक मैं जो बोला था, मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊँगा। वो ट्रिक अभी है कि गाइस, हम लोगों के फ्री फायर के मोड में एक मोड आया है, फ्री फायर में लोन वॉल्फ बोल के एक मोड आया है। उसमें क्या होता है, 1v1 का एक मैच होता है। ठीक है, एकदम शॉर्ट टाइम में। ओके, उसमें आप लोगों को 5 किल करना है, मतलब 5 बार हराना है एनिमी को। 5 बार हराने से आप लोगों को, मतलब 5 किल हो गया, 5 बार हराओगे तो 5 किल हो गया आप लोगों का, तो उसमें आप लोगों को एक टोकन मिल जाएगा एकदम शॉर्ट टाइम में। ओके, तो ऐसे करके मैंने क्या किया, मैंने एकदम क्या ही बोले, मतलब थोड़ा सा टाइम में 10 टोकन कलेक्ट कर लिए। ठीक है, मेरे को 9 चाहिए था, मैंने 9 कलेक्ट कर लिया। ठीक है, आप लोगों को कैसे खेलना है देखो, मैं गेम खेल के भी दिखा देता हूँ आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को। जैसे कि ये देखो, मैं आ गया इधर। ठीक है, इसमें क्या होता है, आप कोई भी गन ले सकते हो। ओके, कोई भी मनपसंद का गन ले सकते हो। ये मोड मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि 1v1 फाइट भी हम इधर से सीख सकते हैं। ठीक है ना, इसके मतलब अकॉर्डिंग मैं अच्छा वाला एक डेडिकेट वीडियो बना दूंगा आप लोगों को, कैसे इधर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो एकदम 1v1 परफेक्टली खेलने के लिए। ओके, तो इधर देखो, मैं एक बंदे के सामने आ गया था, तो ये बंदा का नेट चला गया था, क्या चला गया था मेरे को पता नहीं, इसने मेरे को पूरा मार दिया था गाइस। मेरे सामने आ गया था, मैं भी पहली बार खेल रहा हूँ गाइस आप लोगों के जैसे। ठीक है, उसके बाद गाइस इसने मेरे को मार ही दिया। ठीक है, पहले राउंड इसने जीत लिया, मतलब मेरे को मार के। उसके बाद गाइस मैंने क्या किया, उसने मतलब मारना
मेरे को पता चल गया था कैसे खेलना होता है उसको, तो मैंने थोड़ा सा घूम के गया ठीक है उसको मारने के लिए। तो इधर से मैंने एके वैके ले लिया, मतलब जो जो गन मिलता है वो सब ले लिया। लेने के बाद गाइस मैं क्या साइड से गया उसको मारने के लिए, इधर थोड़ा सा मतलब मूवमेंट स्पीड करके अपने हाथ को ठीक किया, इधर थोड़ा सा सेंसिटिविटी हाई है तो इधर जाके ये बंदा खड़ा था तो मैंने इसको आराम से मार दिया। ऐसे करके गाइस मैंने पूरा 5 किल कर लिया इसके साथ ठीक है। 5 किल करने के बाद मेरे को एक टोकन मिल गया। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारा मैच खेल के, बहुत सारा नहीं मतलब 9 मैच खेला, उसके बाद 9 टोकन मेरे को आराम से मिल गया। उसके बाद मैं चला गया डायरेक्टली उधर मतलब रंगोली इवेंट में और जाके आराम से कंप्लीट कर लिया। कैसे किया वो आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग देखो। उसके बाद गाइस इधर मैं आ गया, आने के बाद गाइस देखो एक एक करके मैंने पूरा मतलब कलर कर दिया, जहाँ पर ब्रश दिखा रहा है उधर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं आराम से रंग चूज किया, जो मेरे को मर्जी मेरे को पसंद आया मैंने किया, उसके बाद आराम से इसको कलर किया ठीक है। ऐसे करके गाइस आप लोगों को भी करना है, करने के बाद आप लोगों का ये गैंगस्टर बंडल आप लोगों को आराम से मिल जाएगा। ओके गाइस तो मेरे को भी मिल गया, तो आप लोग देखो मतलब मैंने कैसे कैसे कलर किया। मैंने इस डीए को आराम से कलर कर लिया, पूरा कलर कर लिया। उसके बाद गाइस कलर करने के बाद एकदम आराम से मेरे को गैंगस्टर बंडल क्लेम करने का ऑप्शन आ गया था। तो उसके बाद मैंने एकदम भी देरी नहीं किया, मैंने फटाक से इसको क्लेम कर लिया। और गाइस क्लेम करने के बाद वॉल्ट में जाके मैंने इसका जो बंडल है उसको आराम से इक्विप कर लिया। करने के बाद क्या ही गजब लुक है गाइस, देखो बहुत ही ओपी लुक है। ओके तो इस तरह गाइस मैंने रंग रंगोली इवेंट कंप्लीट कर लिया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।